नमस्कार। और इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और खुशामदीद। अच्छा, आज की जो कहानी है हमारी एज यूजुअल कहानी है, और हल्की सी इसमें करवटें हैं, इसमें मुड़कियां हैं, इसमें घुमावदार रास्ते हैं। ये भारतीय संस्कृति की कहानी है। देखिए, हमारी संस्कृति में क्या है जो एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, आप विजुलाइज करें भारतीय संस्कृति को एक विशाल बरगद के पेड़ के रूप में या विशाल महामार्ग के रूप में। बरगद का जो पेड़ होगा उसका एक बड़ा मोटा सा तना होगा, बीच बीच में छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। अब जो बरगद का तना है वो हमारे पुराण है, महाभारत है, रामायण है, हमारे धर्मशास्त्र हैं, हमारे नीति शास्त्र हैं, हमारे नाट्य शास्त्र हैं, हमारे संगीत शास्त्र हैं। लेकिन चाहे वो महामार्ग हो, चाहे वो पेड़ हो जो उसके तने से निकली हुई शाखाएं होती हैं, या वो जो छोटे छोटे जो रास्ते हैं जो महामार्ग में आकर के मिलते हैं, पगडंडियाँ होती हैं जो आकर के मिलती हैं, वो उसी तरीके से उसके चरित्र को बखान करती है जिस तरीके से हमारे मुख्य धारा के सांस्कृतिक धरोहर। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं लोक कथाओं के संसार में, लोक संस्कृति के संसार में। ये पगडंडियों का सफ़र है, तो ज़रा ध्यान से चलिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो आज का जो सफ़र है वो छत्तीसगढ़ से शुरू होता है और दुनिया जहान से घूम करके आता है। और छत्तीसगढ़ में विविध प्रकार की लोक कलाएँ, जैसे कि पांडवनी है, चंदैनी है, सरवण है, कंठी ठेठवार है, गोपी चंदा है, ढोला मारू है और भरतरी है। भरतरी जो है ये एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, उज्जैन का रहने वाले हैं, वो राजा हैं, बहुत बड़े आदमी हैं और गुरु गोरखनाथ के पहले चेले हैं। इनका नाम जो है इतिहास में दर्ज है। और मजे की बात ये है कि इनकी जो कहानियाँ हैं वो आपको दुनिया भर में हर जगह मिल जाएगी। अगर आप इधर से निकलेंगे आपको अफगानिस्तान में इनकी कुछ कहानी के अंश मिल जाएंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे, इधर की तरफ अगर आप लौटेंगे पूरब की तरफ तो आपको फिर पंजाब में मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, और पूरब की तरफ आप चलें उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे, झारखंड में चलेंगे और जाएं और पूरब की तरफ, पश्चिम बंगाल चले जाएं और पूरब की तरफ जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, हर जगह आपको भरतरी मिलेंगे। कहानी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है, हिंदुस्तान है भाई आखिर। कहानी अगर हर जगह एक जैसी होंगी तो हिंदुस्तानी होने का मजा ही नहीं है। और अगर आप नीचे की तरफ आएँ, उत्तर प्रदेश के दक्षिण की तरफ अगर आप आएँ, छत्तीसगढ़ जाएँ, मध्य प्रदेश जाएँ, या आप हल्का सा पश्चिम की तरफ निकल जाएँ, राजस्थान की तरफ, वहाँ पे भी आपको भरतरी की कहानियाँ मिलेंगी। कहीं पे इनको भरतरी बुलाया जाता है, कहीं पे इनको भृतहरि बुलाया जाता है। तो हुआ यूँ कि जो इनकी माता थी, अब ये बड़े राजा थे, अब कई जगह पर कहा जाता है कि ये गंधर्व सेन की औलाद थे, कई जगह पर कहा जाता है कि चंद्रसेन इंद्रसेन के वंशज थे, वगैरह वगैरह। अब कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं, महरानी को, महरानी का नाम था रूपदेही, बहुत सुंदर महरानी, तो जगह जगह जाके उन्होंने पूजा पाठ किए, टोटके किए, जादू टोने किए कि भैया किसी भी तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करिए कि एक बच्चा दे दो, कैसे मतलब इतना बड़ा राजकाट पालेंगे हम। ईश्वर मान गया, बहुत बढ़िया बच्चा, बड़ा सुंदर बच्चा उनको मिला। और जैसा पुराने ज़माने में होता था कि भाई जब बच्चे होते थे तो बनारस से ज्योतिषियों को बुलाया जाता था। बनारस तब भी गढ़ था, बनारस आज भी गढ़ है, बनारस कल भी गढ़ रहेगा। बनारस की कहानी कभी और हम बाँचेंगे और बड़ी ज़बरदस्त कहानी होगी वो। अब बनारस एक जत्था जो है वो पुरोहितों का आता है और उज्जैन में जहाँ पे इनके पिताजी राज्य करते थे, बच्चे को देखता है, बच्चे का जातक निकालता है और महरानी से कहता है कि देखो महरानी, जो तुम्हारा बच्चा है वो तो बड़ा चक्रवर्ती है, विलक्षण है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुल है, लेकिन ये मात्र 12 वर्ष तक राज्य करेगा, मात्र 12 वर्ष, 12 वर्ष के बाद ही जोगी हो जाएगा। ये सुन के महरानी के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। वो कहती है, महाराज इतनी मुश्किल से ये बच्चा मिला, इतनी जगह हमने माथा रगड़ा, देखिए माथे को देखिए, मतलब माथे में तो कोई निशानी नहीं है, रगड़ रगड़ के सारे निशान खत्म हो गए। अब जब बच्चा मिला है, अब आप कह रहे हैं कि 12 वर्ष के बाद वो सारी चीज़ें छोड़ करके मेरा भगवान के रास्ते में चल देगा तो हम क्या करेंगे, टीपेंगे, इतना बड़ा जो हमने झाम धाम बनाया किसके लिए बनाया है, तो कुछ करिए, इसके जातक को चेंज करें आप, परिवर्तन डालें इसमें। तो उन्होंने कहा, महरानी हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो विधि का विधान है, हाँ लेकिन जैसा है आप उसी में खुश रहें, कल तक तो बच्चा नहीं था, कम से कम बच्चा तो है, और बच्चा भी कैसा है, अद्भुत बच्चा है। जो रूपदेही थी उन्होंने अपने मन को सांत्वना दी, बोले चलो ठीक है जैसा भी है, बच्चा बड़ा सुंदर। अच्छा, इसी समय धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, नाम उसका रखा इन्होंने भरतरी। अब एक सिंगल देश है, और सिंगल देश का मतलब हो गया श्रीलंका। अब वहाँ के राजा के एक लड़की हुई और राजा की लड़की भी बहुत सुंदर, उसका नाम उन्होंने रखा सामदेही। तो जो राजा का मंत्रिमंडल है वो लड़की को जब देखने जाता है, कहता है कि महाराज आपकी लड़की इतनी सुंदर, मतलब सुंदर है कि क्या है,
अब इसके लिए लड़का अगर आप उतना योग्य नहीं खोजेंगे, उतना सुंदर, तो क्या है कि जोड़ी जो है वो उतनी बढ़िया नहीं होगी। मतलब एक तरफ तो लड़की जैसे कि साक्षात रति का अवतार, और दूसरी तरफ लड़का अगर हल्का सा भी 19 हुआ तो पूरा मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। बस जोड़ी अगर बनाइए तो जुगल जोड़ी बनाइए, तो राजा को बात जचता आती है। राजा अपने हरकारों को, दूतों को, अपने जासूस हैं जो, उनको बुला के कहता है कि देखो भैया दिग्दिगंत फैल जाओ, समझे, और वहाँ जाकर के किसी ऐसे लड़के को खोजो तो दिखने में बहुत सुंदर है, हम उससे अपनी लड़की का ब्याह कर देंगे। अब जो उनका पूरा ताम झाम है वो निकल पड़ता है, कोई पूरब, दक्षिण, कोई उत्तर, कोई पश्चिम, चारों तरफ लोग फैल जाते हैं, और उसी में से जो एक दल है वो उज्जैन आता है। अब उज्जैन में उनको एक लड़का दिखाई पड़ता है जो अद्भुत है दिखने में, बहुत सुंदर है। वो लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं भैया बताओ तुम कौन। तो लड़का कहता है कि मैं भर्तरी। तो जो हरकारा होता है या जो दूत होता है कहता है कौन भर्तरी, कहे मैं राजा गंधर्वसेन का लड़का भर्तरी, राजकुमार भर्तरी। तो हरकारा है जब लड़के को देखता है तो कहता है यार इतना सुंदर लड़का हमने तो कभी नहीं देखा, और जैसे हमारी राजकुमारी है जिनको हम छोड़ करके आ रहे हैं वैसी सुंदर राजकुमारी भी हमने कहीं नहीं देखी। अब इन दोनों का अगर मेल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। वो बात अपने राजा तक पहुँचाता है, राजा न्योता लेकर के उज्जैन आ जाता है। रानी रूपदेही से मिलता है, कहता है कि देखिए आपका लड़का जो है वो हमें अपनी लड़की के लिए पसंद आ गया है, हम सिंघल देश के राजा हैं, आप ये न्योता लेकर के आए हैं, अगर आप लगन कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रानी जो है वो माँ है पहले, तो बाद में वो रानी है, बाद में जो भी है, वो कहती है यार कि अगर हमने अपने लड़के की शादी कर दी और गौना करवा के ले आए, और अगर हमारा लड़का जो है इस रानी के प्यार में पागल हो गया तो शायद शायद इसकी संभावना अच्छी खासी बन जाती है कि वो जोगी ना बने। तो ये जानते हुए भी कि 12 वर्ष के बाद उसको जोगी होना है, और ये बात उन्होंने उस राजा को बताई सिंगल देश की। उन्होंने कहा देखो भैया तुम अपनी लड़की तो कह रहे हो कि हम यहाँ पे ब्याह दें, हम ब्याह भी लेंगे तुम्हारी लड़की, लेकिन 12 वर्ष के बाद तुम क्या करोगे, लड़का तो हमारा उड़ जाएगा भगवान के रास्ते में। तो राजा ने कहा उड़ेगा उड़ेगा, लेकिन अब इतना सुंदर लड़का हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। रानी भी हाँ कर देती है, राजा भी हाँ कर देता है, और जो सामदेही है उनका विवाह हो जाता है, गौना भी आ जाता है कुछ एक साल के अंदर। उस जमाने में गौने की प्रथा होती थी, तो पहले लड़की आती थी बाद में लड़की का गौना आता था, जो एक तरीके से देखा जाए तो नया विवाह ही होता था। अब जब गौना आ गया तो फिर सुहाग की रात आई। अब राजा की जब सुहाग की रात आती है तो वो भी राजसी ठाटबाट से आती है, आनबान से, कोहबर सजा, सेज सजी, तो जो उनके पुरखे थे, जो उनके पूर्वज थे, जो उनकी सेज थी बड़ी सी शीशम की लकड़ी की सेज, वो सजाई गई, दूध का गिलास रखा गया, केसर डाला गया दूध के गिलास में, हर तरफ छोटे 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 लाखों सैकड़ों दिए लगाए गए। राजा की सेज सज रही है भैया, रानी की सेज सज रही है, और जगह जगह से फूल लाए गए, चंपा के फूल, रात की रानी, चमेली के फूल, और आपके पलाश हर तरफ उन्होंने बिखरा दिया ताकि जब रानी चले तो उनके पैरों में पलाश लगे। महावर जो था उसके छोटे छोटे पैर उन्होंने पूरी जगह पे बना दिए कि भैया आज सुहाग की रात है। अब राजा भी अपना अच्छे तरीके से बंठन करके आता है, क्षत्रिय राजा दिखने में तो वैसे ही सुंदर है, और उधर रानी भी अपने आप में अद्वितीय, वो भी 16 की जगह 18 श्रृंगार करके राजा का इंतजार कर रही है। राजा आता है, दरवाजा बंद करता है, और जैसे ही सेज के ऊपर पाँव रखता है पड़ की आवाज से सेज टूट जाता है। अच्छा, इधर सेज टूटा उधर रानी हंसने लगती है बुरी तरीके से। अब ये, अब उसकी स्थिति देखिए आप, कि राजा है बेचारा, छत्री खून है उसके अंदर, वो अंदर घुसता है और वो टूट जाता है पलंग, और रानी हंसने लगती है, तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि सुनो रानी तुम क्यों हंसी। रानी कहती है बस मतलब बड़ा हास्यास्पद सा था कि आप आए और आपने पैर रखा और वो टूट गया पलंग तो मैं हंस दी। कहता ना, कुछ और बात है, हंसने की क्या बात है, तुम्हें तो दुखी होना चाहिए कि भैया कहीं हमको चोट तो नहीं लग गई। अरे भाई हमारा राजा है, पाँव पलंग के ऊपर धरता है और पलंग लप से टूट जाता है और घब से राजा गिर जाता है, हो सकता है राजा को चोट लगी हो कमर अमर में, और इसे पूछने के बजाय तुम हंस रही हो तो कोई बात और है। रानी कह देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, फालतू में क्या सोचने के लिए बैठे हो, आज सुहाग की रात ही सब का प्रपंच फैलाए हो। राजा कहता है नहीं, वो तलवार ववार खींच लेता है, कहता है कि तुम बताओ। रानी कहती कुछ है नहीं, वो कहता कुछ है, वो कहती कुछ है नहीं, वो कुछ कहता है। अल्तो गतवा वो गुस्से में आकर के कहता है कि देखो रानी अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तो चला। तो रानी डर जाती है, वो कहती है देखो राजा हमें तो नहीं पता,
लेकिन हमारी एक बहन है जो दिल्ली ब्याही है, जिसका नाम है पिंगला, और जो तुम्हारे साड़ू हैं यानी कि हमारे बहन के हस्बैंड, हमारे बहन के पति, उनका नाम है राजा मानसिंह, वो दिल्ली के शासक हैं। उनके घर में हमने अपनी बहन को ब्याहा है, तुम्हारी साली है, तो तुम्हें काम करो। इसका जो उत्तर है कि मैं क्यों हंसी, उसके पास है, हमारे पास है नहीं, लेकिन रानी के पास था, वो सती रानी थी, उसके पास क्यों नहीं होगा भाई। लेकिन वो कह रही थी कहा इन सब पछड़ों में अपने आप को डाले, तो उसने वो सारा का सारा जो भार है वो रानी पिंगला के ऊपर डाल दिया। राजा कहता ठीक है, तो ऐसा है कि अब तो मैं जा रहा हूँ अपनी कचहरी, अब जब तक रानी पिंगला से मैं सुन नहीं लूँगा कि इसका राज क्या है, तब तक हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, नमस्कार जयराम जी के, ऐसा कह के वो चला गया। अब इसके आगे क्या होता है ये अलग कहानी है। गंगा की धारा बह रही है, यमुना की धारा बह रही है, वो हम आपको अगली बार बताएंगे। फिलहाल कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं से आपसे विदा लेते हैं। अगली बार जब आपसे दोबारा मिलेंगे तो कहानी को यहीं से उठाएंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। तब तक के लिए नमस्कार। बाहर बारिश हो रही है, आनंद उठाएं, पकौड़े खाएं, चाय पिएं और याद रहें। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स।